चंपावत के टनकपुर में किरोड़ा नाले में स्कूल बस बहने की घटना के साथ ही पूर्णागिरी दर्शन को आए तीर्थयात्रियों के मार्ग में फंसने के बाद अब स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग के जरिए सफर करने वाले स्थानीय लोगों और पूर्णागिरी तीर्थयात्रियों के लिए आने वाले 3 दिनों तक इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी हिमांशु कपलटियाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग को आने वाले 3 दिनों तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए चंपावत के SP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई, जिसके चलते ऐसे मार्गों में पड़ने वाले नालों के पास पुलिस के जवानों को तैनात किया जा रहा है, जो नालों में पानी आने के समय इन मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को रोकेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से पूर्व में ही रोका जा सके। याद होगी टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर ही इस तरह के 5 से 6 नाले रपटे पड़ते हैं, जो कि लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा गांवों को मुख्य आबादी से जोड़ते हैं। द्वारा माता पूर्णागिरी मंदिर में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर अगले 3 दिन के लिए 21 तारीख तक रोक लगाई गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे रॉकर हैं और जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर कि ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाता है और दुर्घटना की संभावना रहती है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती करी गई है। SDRF और जल पुलिस की भी घाटों में तैनाती करी गई है, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना को रोका जा सके। मॉर्निंग में एक कह सकते हैं कि बड़ी घटना एक तरह से टल गई, हम इस चीज को यही पहलू कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक सबक है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरह की बात ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक तो जितने ये रोकड़ जितने नाले हैं जितने रपटे हैं इसमें एक तो हम वार्निंग के साइंस लगा रहे हैं, साथ साथ में जो मेन जगह पर है जहां पर जो बड़े नाले आते हैं वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं कि पिकेट वगैरह लग जाए, ताकि जो गाड़ियां आ रही है उनको रोक के वापस किया जा सके। साथ साथ में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं, जहां पर जैसे ही पहाड़ में अधिक बरसात होती है नाले के जब बढ़ने लगते हैं तो अनाउंस भी करा रहे हैं कि लोग उस एरिया में रूट में जाने से बचें।